रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बाढ़ में बह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के कई इलाके, मरने वालों की संख्या हुई 12। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ से स्थिति बेहद खराब हो गई है। मणिपुर में 4 लोगों और त्रिपुरा में 1 व्यक्ति की मौत के साथ क्षेत्र में बाढ़ से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ रास्तों पर ट्रेन सेवा ठप होने और सड़कों के बह जाने से असम, त्रिपुरा और मणिपुर में स्थिति ज्यादा खराब है। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ने के साथ राज्य के 7 जिलों में तकरीबन 4,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ACDMA के मुताबिक हो जाए कर्बी आंगलांग पूर्व, कर्बी आंगलांग पश्चिम, गोलाघाट, करीमगंज, हैलाकांडी और कछार जिले में 3.87 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ से हुई घटनाओं में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 2.06 लाख लोग हैलाकांडी और करीमगंज में, तकरीबन 1.33 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बंदरखल और दामचा स्टेशनों के बीच जमीन खिसकने के कारण लामाडिंग बदरपुर खंड पर रेल सेवा ठप है। मणिपुर में बाढ़ग्रस्त 2 जिलों में 1.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं और स्थिति काफी खराब है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि इम्फाल घाटी में स्थिति बदतर हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक बाढ़ से लगभग 12,500 मकान क्षतिग्रस्त हो गए और 5,200 लोग क्षेत्र छोड़कर बाहर चले गए हैं। मणिपुर में बाढ़ के कारण खराब स्थिति पर चिंतित राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि वो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राज्यपाल राहत कोष में 1 दिन का वेतन देंगी। हेपतुल्ला ने कहा कि राजभवन के तमाम कर्मचारी 1 दिन के वेतन का योगदान देंगे और दूसरों से भी मदद की अपील की गई है। त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई। बारिश के कारण खोवाई नदी का पानी कुछ और इलाकों में घुस गया, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए और सड़कों के अलावा फसलों को नुकसान पहुंचा। बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से उनाकोटी जिले में कलीला शहर सब डिवीजन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बाढ़ के कारण 21,000 से ज्यादा लोग अब भी राहत शिविरों में हैं। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने कलीला शहर सब डिवीजन का दौरा किया। मिजोरम में बाढ़ के कारण अब तक 1,066 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सबसे ज्यादा दक्षिण मिजोरम का लुंगलेई जिला प्रभावित हुआ है। तलाबुंग कस्बा और पास के गांव बाढ़ की चपेट में है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 54 से मलबा हटाने का कार्य किया गया। बाढ़ के कारण सड़क का एक हिस्सा बह गया है।